तो आज भी वही टेस्ट ब्राह्मण कर रहा है। लेकिन हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण भोज में जाते होंगे, टेस्ट भी करते होंगे, लेकिन उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक पूजा पद्धति को समझकर उस टेस्ट को आज भी वैसे ही करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स, और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण जाति का इतिहास क्या है, इनकी उत्पत्ति क्या है, और ये श्रेष्ठ क्यों माने गए, और ब्राह्मणों को किसी भी भोज में सबसे पहले भोजन कराने की परंपरा क्यों चली। ये चार पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जैसा कि सब आप सभी जानते हैं कि अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति किसी भी जाति के बारे में जो भी विवेचना देती है उस पर काफ़ी रिसर्च होता है। जो प्रोपोगंडा समाज में फैलाया जा रहा है कि ये श्रेष्ठ हैं इसलिए इनको पहले भोजन कराया जाना चाहिए, या ये श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ब्रह्मा के वंशज हैं, इन सबको पीछे ढकेलते हुए हम इस बात पर फोकस करते हैं कि इनकी जाति श्रेष्ठ क्यों मानी गई उस जमाने में, वो ऐसा क्या उन्होंने किया होगा जिससे इनको श्रेष्ठ कहा गया। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो यदि आप इतिहास में उठाकर देखें तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मानव सभ्यता की शुरुआत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही होगी कि जो जीवनचर्या या जो दिनचर्या और ऋतुचर्या, मतलब आप जिंदगी को किस प्रकार से क्या खाएँ, क्या पिएँ, कब उठें, कब सोएँ, कब लेटें और किस दिशा में लेटें, जिससे कम से कम आपके शरीर को नुकसान हो और आप एक लंबी आयु को प्राप्त कर सकें। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सभी जातियों के बाद उत्पत्ति के बारे में हम अगर अपने वेद पुराणों में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति स्कंद पुराण या किसी भी पुराण के हिसाब से ब्राह्मण की उत्पत्ति जो तीन देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें से ब्रह्मा जी से मानी जाती है। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों में से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। तो ये श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो उस समय था वो शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था में बहुत आगे रहा करता था, और उस समय में सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पर धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी गलत फहमी फैल गई है कि जो ब्राह्मण होता है वही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण रहेगा, जो क्षत्रिय होता है वो क्षत्रिय रहेगा, जो शूद्र रहेगा वो शूद्र रहेगा, जो वैश्य रहेगा वो वैश्य रहेगा। लेकिन अगर अपने आप शास्त्रों को में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएँ उनके कर्मों के हिसाब से तय की जाती थी। और अगर आप स्कंद पुराण में देखें तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है बल्कि वो सारे लोग जो उस जमाने में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि प्रार्थना तक यानी कि शास्त्र शास्त्र धर्म इन सब विद्याओं से पारंगत होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। पर श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। माना जाता है आज के डेट में अगर आप देखें तो ब्राह्मण अपने कर्म से हट चुका है, और स्कंद पुराण की चर्चा पर यदि आप ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। जो भी व्यक्ति उस समय पर परास्नातक को प्राप्त कर लेता था, जैसे आज आप देखें तो हाई स्कूल इंटर बीए एमए या फिर हाई स्कूल इंटर स्नातक और परास्नातक की व्यवस्था है, उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था पुराने सनातन धर्म में थी। और जो हाई स्कूल थे वो शूद्र के समकक्ष माने जाते थे, जो इंटर थे वो वैश्य के समकक्ष, इनको गणित आदि का ज्ञान करा दिया जाता था, तौलने नापने आदि का ज्ञान हो जाता था, और स्टोर कैसे रखना है, किसी चीज़ के भंडारण कैसे करना है इसका ज्ञान हो जाता था। और फिर जो स्नातक था, स्नातक वो आप क्षत्रिय जिसमें आपको शस्त्र इस गणित के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान होता था, और उसके बाद परास्नातक जिसमें आपको अध्यात्म का भी ज्ञान हो जाता था। और आज भी यदि आप देखें तो आप परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर यदि आप रिसर्च शब्द को ही देखें तो वो ऋषि शब्द से बना हुआ है। तो इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो उस समय पर ब्राह्मण कहे जाते थे। और यदि उस समय उसमें स्कंद पुराण में वर्णित भी है कि यदि कोई ब्राह्मण बनना चाहता है, ब्राह्मण होना चाहता है, तो उसको अपनी शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ गायत्री अनुष्ठान के बाद वो ब्राह्मण हो सकता था। तो पहले के टाइम में भी ब्राह्मण बनने की बड़ी होड़ लगी हुई थी। तो आज के ब्राह्मण के और उस ब्राह्मण में बहुत फर्क आ चुका है, क्योंकि आज का ब्राह्मण अपने कर्म से मूर्ख होता जा रहा है, ये स्वयं अपने कर्मों को नहीं जानता है कि लंबी आयु की अवधि को कैसे प्राप्त करें, तो वो दूसरों को क्या बताएगा। और यदि आप पिछले इतिहास में देखें तो ब्राह्मण शाकाहारी था मोस्टली, ये अध्यात्म आदि मंदिरों आदि पूजा में इनका पूजा पाठ का काम हुआ करता था, शिक्षा व्यवस्था का काम हुआ करता था, तो ये शाकाहारी रहते थे ताकि इनको नींद आदि का बहुत समस्या ना हो सके और ये शिक्षण व्यवस्था आराम से पूरी कर सके। और अध्यात्म में इनको जैसे कि अध्यात्म में मांसाहार का वर्जन है तो ये योग आदि करते थे, इसलिए इनका आहार व्यवहार बहुत ही सामान्य और साधारण होता था। पहले के जो ब्राह्मण थे उनका जीवन यापन इसी तरह से था कि वो भिक्षा आदि लेकर के अपना सिर्फ भोजन करते थे, बाकी पूरा जीवन जो है समाज हेतु लगा दिए जाते थे। श्रेष्ठ कैसे माना गया, तो उस युग में मैंने कहा कि श्रेष्ठता के लिए उस युग में भी आयोजन होते थे, जैसे आप आज ओलंपिक्स हो रहे हैं तो जो गोल्ड मेडल जीत रहा है वो नंबर 1 पे माना जा रहा है। इसी तरह से उस जमाने में भी प्रतियोगिताएं या फिर आपका प्रदर्शन होता था, जिसको आप शास्त्रार्थ या आदि शब्दों से उपयोग मिला है, आप शास्त्रों में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि शास्त्रार्थ आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ब्राह्मण का जब शुरू में जो भी उस जमाने की जो प्रतियोगिताएं थी उसमें जब ब्राह्मण ने अपनी जीवनचर्या और ऋतुचर्या का एक्सप्लेनेशन किया, तो आप यदि आज भी चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में देखें जो आयुर्वेद की पुस्तक लिखी गई है और जिससे आयुर्वेद विज्ञान का पूरा
इस्तेमाल स्वास्थ्य रक्षा हेतु हो रहा है, उन पुस्तकों में जीवनचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का बहुत ही अच्छा वर्णन मिला है। जैसे कि आपको मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना चाहिए, एक हल्का भोजन जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्टार्ट कर देगा। उस दिन आपको तो हल्का खाना खाना चाहिए, ये इन्होंने पहले से लिख दिया था। अब ऐसे ही बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको इन्होंने त्योहारों के रूप में वर्णन कर दिया और उस दिन के खान पान की व्यवस्थाओं को इन्होंने सेट किया है। अगर आप हिंदू सनातन धर्म में देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे छोटे पर्व भी मनाए जाते हैं जिनका स्वास्थ्य से बड़ा लेना देना है। जैसे कि बरसात के शुरुआत के अंत में ही व्रत रहने की परंपरा, सावन में सोमवार के व्रत रहने की परंपरा, ये सब बरसात के महीने में, क्योंकि पित्त दूषित हो जाता है, ऐसे में आपकी पाचन तंत्र आपका कम काम करने लगता है, ऐसे में यदि आप व्रत आदि रहेंगे तो आप अच्छे से रहेंगे। तो इन्होंने जब प्रदर्शन की बारी आई तो इन्होंने जीवनचर्या, जो दिनचर्या और ऋतुचर्या था, उसको प्रस्तुत करके ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य जो है 100 साल इस पृथ्वी पर आराम से जी सकता है। और इन्होंने रासायन बाजीकरण कई अपने तर्कों के हिसाब से इन्होंने ये सिद्ध किया। और इनके जो वंशावली थी, अगर ब्राह्मणों के इतिहास में देखें तो ऋषियों ने बहुत लंबी आयु प्राप्त किया है, दीर्घायु को प्राप्त किया है। तो यह जाति आज उस स्थान स्तर पर तो नहीं रहेगी, क्योंकि इसने खुद अपने कर्मों को छोड़ दिया और ये स्वयं नहीं जानते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हालांकि ब्राह्मण शुरुआत से शाकाहारी माने जाते रहे हैं। तो आप चलते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन सबसे पहले क्यों कराया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब पहले मनुष्य यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहता रहा होगा तो इस तरह से आपको अनाज आदि सभी लोग सभी अनाजों को नहीं पहचानते रहे होंगे। ये जरूरी थोड़ा है कि जो अनाज हम अपने देश में खा रहे हैं यही सारे हमारे साउथ अफ्रीका में खाए जा रहे हों, ये जरूरी नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि आप हमारे यहाँ कुछ और अनाज हैं, अन्य जगहों पर कुछ और भी अनाजों का भोजन क्या था। इसी प्रकार शुरुआत में अनाज आदि का आइडेंटिफिकेशन भी करना बहुत आसान बात नहीं थी कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि पूर्वजों का जीवन काफ़ी कठिन रहा है। उस समय में ब्राह्मणों ने अपने ज्ञान से समाज को बहुत सहयोग दिया है। तो भोजन पहले इसलिए नहीं कराया जाता था क्योंकि ये सक्षम होते थे कि पहचान लें कि ये गेहूँ है इसलिए इसका भोजन करना है। उसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट था, यदि आप चरक संहिता या अष्टांग हृदय बागभट रचित या फिर सुश्रुत संहिता को देखेंगे तो वहाँ पर आपको जब भोजन व्यवस्था में आ पाएंगे तो वहाँ पर ब्राह्मण भोज की व्यवस्था को बताया गया, यानी कि किसी भी भोजन से पहले ब्राह्मण को भोज कराया जाना चाहिए। और वहाँ पर उन्होंने ये तर्क लिखा है क्योंकि उस समय जो अनाज होते थे तो कुछ जंगली अनाज होते थे जो विषैले होते थे, तो जब जैसे भंडारे की व्यवस्था की गई या कोई बहुत बड़ा भोज है तो वहाँ पर अनाज खेती नहीं की जाती थी, ये सब प्राकृतिक रूप से उगते थे। और क्योंकि जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम था, लोग जाते थे काट लाते थे अपने जितनी उनकी आवश्यकता होती थी और उनको अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। और विभिन्न प्रकार के भोजन भी उस समय पृथ्वी पर उगते थे, प्राचीन औषधियाँ प्राचीन अनाज भी उस समय उपलब्ध थे। लेकिन उस समय सबसे बड़ी कमी ये थी कि कौन सा विषाक्त है कौन सा दिशहीन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ब्राह्मण, क्योंकि आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञानी होता था, क्योंकि पठन पाठन इनका कर्म था, तो ये बहुत आराम से टेस्ट करके ये बता सकते थे कि ये भोजन करने लायक है कि नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को 5 या 12 लोगों को भोजन की व्यवस्था बताई गई है कि जब किसी भंडारे में भोज करना हो तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भोज करा के उसके पश्चात सभी लोगों को भोजन कराना चाहिए ताकि उस भोजन से सभी लोगों की मृत्यु ना हो जाए। तो इस प्रकार का योगदान रहा है। और अब आप बात करेंगे कि ये आखिर टेस्ट कौन सा करते थे, तो आज भी वही टेस्ट ब्राह्मण कर रहा है। लेकिन हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण भोज में जाते होंगे, टेस्ट भी करते होंगे, लेकिन उनको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक पूजा पद्धति को समझकर उस टेस्ट को आज भी वैसे ही करते रहते हैं। तो चरक संहिता या अष्टांग हृदय में आप देखेंगे तो वहां सबसे पहले लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को भी भोजन करने से पहले अपने हाथ को साफ करना चाहिए, उसके बाद उस भोजन की थोड़ी मात्रा सभी में से, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खीर सब बने, पूरी सब्जी बना हुआ है तो सब पूरी भी दाल भी चावल भी ये सब निकाल के उसको अग्नि में थोड़ा सा डालना चाहिए। और अग्नि में डालने के पश्चात आप चरक संहिता को उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पर 3rd चैप्टर में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है भोजन व्यवस्था में। तो उसको आग पर डाल देना चाहिए जिससे जो धुआं निकले, यदि धुआं के निकलने के पश्चात वहाँ पर आसपास जो है कीट पतंगे और मक्खियाँ मर जाती हैं तो उस भोजन को त्याग कर देना चाहिए। तो ब्राह्मण आज भी आप देखिए, पहले ब्राह्मण बुलाए जाते हैं मंदिरों में भोजन के लिए और उसके बाद वो आग रखते हैं और उस पर डालते हैं, तत्पश्चात वो पानी छिड़क कर भोजन को प्रणाम करके अपने इष्ट को याद करते हुए भोजन का प्रारंभ करते हैं। तो हो सकता है कि आज वो ये नहीं जान रहे हो कि वो ये परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इस विधा का जो सबसे पहले लागू करने की परंपरा जो शुरू हुई है, बहुत सारी महामारियों के बाद इस विधाओं का प्रयोग शुरू हुआ क्योंकि उसमें ब्राह्मण ही चिकित्सक के रूप में थे, तो ये भोजन आदि को चेक करते थे। और आप जानते हैं कि जैसे कि जो व्यवस्था राज महल में होती है वही व्यवस्था प्रजा लगभग धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर देती है। तो राजा भी जब भोजन करने जाते थे तो राजा क्योंकि बहुत विशेष व्यक्ति होता था, उसको जहरीला भोजन न खिला दिया जाए, इसलिए भी इन ब्राह्मणों को पहले भोजन कराने की व्यवस्था थी। तो इसलिए अगर आप देखें तो राजा से भी पहले ब्राह्मण को भोजन कराना लिखा हुआ है। ये शास्त्रों के लिखित और रिसर्च वर्क के बाद जो हम लोगों ने उसको निकाला है ये एकदम सत्य है और आप इस चीज़ को जानिए। तो मेरे ब्राह्मण मित्र यहाँ इस वीडियो में जुड़े हैं तो वो नीचे वीडियो पर जाएं और बताएं कि क्या वो इस व्यक्ति इस बात को जानते हैं या उनका कोई और तर्क है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि एक ही
स्टेटमेंट के कई सारे तर्क आ सकते हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जातिगत भेदभाव हेतु नहीं आता हूं, बल्कि उनके असली इतिहास को बताने आता हूं कि वो कर्म किस लिए करते थे। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।